हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एग्जाम आयर आई होप ऑल फ्यू डूइंग ग्रेट ऑल फूर फाइन एंड सेफ आज हम करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तब तक आप मुझे बता दो कि क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं एम आई ऑडिबल और नॉट क्विकली को मी दिस मैं ऑडिबल हूँ या नहीं ऑडिबल और नॉट ऑडिबल चलो जल्दी से चेक करते हैं और स्टार्ट करते हैं ठीक है न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है हर रोज़ सिक्स ओ क्लाक आज थोड़ी सी लेट हो गए कोई बात नहीं फटाफट से न्यूज़ पेपर करेंगे ठीक है आज इतनी ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं है ठीक है एडिटोरियल्स इतने ज़्यादा नहीं है जल्दी से स्टार्ट करके फटाफट से ख़त्म कर देंगे ठीक है चलो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ एसी ग्रांज आज़म खान रेगुलर बेल सेट चीज़ कंडीशंस तो आज़म खान को क्या कर दिया रेगुलर बेल ग्रांट कर दी रेगुलर बेल मतलब अभी वो जब तक केस डिसाइड नहीं होता तब तक बाहर ही रहेंगे बार बार बेल अप्लाई करने की उनको ज़रूरत नहीं है जब तक कि जो बेल की कंडीशंस होंगी वो अगर वो फुलफिल नहीं करते जैसे कि जिस केस का वो पार्ट है अगर वहाँ पे कुछ अपीयर होना है कहीं पर वो नहीं होते तो मे बी ये बेल यू नो वापस ले ली जाए बट अब भी उनको रेगुलर बेल मिल गया द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अलाउड सेवेंटी थ्री ईयर ओल्ड समाजवादी लीडर मोहम्मद आजम खान रेगुलर बेल इन अ लैंड ग्रैबिंग केस वेल क्रिटिसाइजिंग अ टेंडेंसी इन हाई कोर्ट टू मेक कम्प्लीटली अन रिलेटेड रिमार्क्स अगेंस्ट अक्यूज़ तो यहाँ पर क्या डिस्कस किया है कि अक्यूज के अगेंस्ट अन यू नो हाई कोर्ट को बोला है कि आप कंप्लीटली अन रिलेटेड रिमार्क्स बोल रहे हो अन रिलेटेड रिमार्क्स यू नो दे रहे हो रिलेटेड टू द अक्यूज विच इज़ नॉट राइट ठीक है तो अन रिलेटेड रिमार्क्स रिलेटेड टू द अक्यूज़ नहीं देने अक्यूज़ कौन होता है सस्पेक्ट होता है ठीक okay, है ना तो ये हमें नोट नहीं करना है ये बस समझना है अभी के लिए तो कोर्ट ने और क्या कहा था कोर्ट हैड फर्दर ऑर्डर दैट तो हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि हम तभी बेल देंगे अब तो इनका केस क्या है बेसिकली डिस्प्यूटेड लैंड पोजेशन ऑफ टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड बाय द लोकल अथॉरिटीज़ तो कुछ लैंड से रिलेटेड इशूज है मे बी इन्होंने कुछ लैंड हड़प लिया I, uh, मतलब वो उससे रिलेटेड इशू है तो वो uh, इसके चक्कर में ये लोग अंदर थे ही वॉज़ यू नो इन द जेल तो हमें बस ये पता होना चाहिए अभी आगे जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम पढ़ लेंगे अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं कल मैंने तुम्हें बताया था कि श्रीलंका के जो नए आ, प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि आ, दिनेश गुनावर्दना जो हैं वो बनेंगे तो वो बन गए हैं अब राइट तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपको याद रखने हैं मैं आपको दोबारा हर रोज़ बताती हूँ कि प्रेसिडेंट अब कौन है रनिल विक्रम सिंह रनिल विक्रम सिंह प्रेसिडेंट है ठीक है ना और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुना वर्दना ठीक है ना ये पी है श्रीलंका के एक्स अब यहाँ पर एक्स पी कौन थे एक्स पी एम रनिल विक्रम सिंह थे ठीक है ना और एक्स प्रेजिडेंट कौन थे गोटाबाया राजा पासा ये याद रखना है ठीक है कन्फ्यूज़ नहीं होना आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉड ऑफ टाइम तो विक्रम सिंह जो कि पी प्रेजिडेंट है उन्होंने अपने साथ पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज रखे हैं सबसे मेन डिफेंस और फाइनेंस फाइनेंस क्यों क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है कहाँ पर श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है तभी डिफेंस उन्होंने अपने पास ही रखा है अभी अली सबरी हु वॉज ऑल योर जस्टिस एंड फाइनेंस मिनिस्टर विल नाउ हेड द फॉरन अफेयर्स मिनिस्ट्री ठीक है ना अली सबरी जो है वो फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर बन गए हैं तो ये सारे नाम आपको याद रखने ये देखो महिंदा राजा पाक्सा वॉज द एक्स पी एम मतलब रनिल विक्रम सिंह से पहले जो पी एम थे वो महिंदा राजा पाक्सा थे वहाँ पर बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई तो ये जो राजा पाक्साज थे जो कि एक फैमिली है जो रूल कर रही थी श्रीलंका को वो उनको रिज़ाइन करना पड़ा ठीक है ना अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है कि गेल फेस जो कि कोलंबो के अंदर है वहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी कौन प्रोटेस्ट कर रहे थे श्रीलंकन सिटीजन्स ठीक है तो उनके ऊपर अटैक करवाया गया सोल्जर्स के थ्रू श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इसके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना और स्पेशली ये जो नेशनल फिल्म फेयर फिल्म अवार्ड्स होते हैं नॉट फिल्म फेयर अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये 2020 के अवार्ड्स हैं एक मिनट रुको या आई एम आई एम सॉरी सो यहाँ पर क्या है बेस्ट अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड सॉरी नेशनल फिल्म अवार्ड पता नहीं क्यों फिल्म फेयर चल गया में हुए तो हम ये क्या है नंबर वन हम लिखेंगे सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 तो so, ये भी हमें याद रखने की कौन से ईयर के हैं 2020 के हैं तो कौन कौन सी फिल्म्स uh, को मिले तमिल मूवी सुरारई पोत्रू वन नेशनल अवार्ड्स फ़ॉर द बेस्ट फीचर फिल्म फॉर बेस्ट एक्टर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर एंड अभी आया नहीं है क्या चल नहीं रहा है क्या ये गाइस स्क्रीन तो तुम्हें दिख रही है क्या एक मिनट रुक जाओ अच्छा पता नहीं मेरे फोन पे नहीं आ रही थी तो मैंने दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करी है अब ये कनेक्ट नहीं हो रही है आज कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है अच्छा अच्छा ठीक है अब बफर होगा थोड़ा सा एंड वी आर बैक तो सिक्सटी एट नैशनल फिल्म अवार्ड्स ट्वेंटी ट्वेंटी जो है सुरई पोट्रू जो कि एक तमिल मूवी है तो आपको ये सुरई पोट्रू भी नाम नोट करना है नंबर वन नंबर टू ये याद रखना है तमिल मूवी है और इनको ये सारे अवार्ड्स मिले हैं तो एक लिस्ट में सारे अवार्ड्स के नाम मूवी का नाम और ये तमिल मूवी है ये लिख लो उसके बाद तानाजी द अनसंग वॉरियर वन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर अजय देवगन एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट तो यह तानाजी अनसंग दिस अनसंग वॉरियर को मिला है ठीक है ना देवगन शेयर द बेस्ट एक्टर अवार्ड विद सूर्या हु गॉट द रिकोगशन फॉर सुरारई पोटरू मतलब इसी के एक्टर के साथ शेयर किया उन्होंने अवार्ड उसके बाद बाकी सारे अवार्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अगर आपको लिखना है बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर रोल इन तमिल फिल्म अपर्णा बाला मुराली ये नोट कर सकते हो अवार्ड्स फॉर बेस्ट बैकग्राउंड को और ये सब बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस और मूवीज़ के नाम नोट कर लो यही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं ठीक है ना उसके बाद आगे चलेंगे आगे हम एक मिनट रुको मैं इसको वो कर लूँ यहाँ पर डेली मेट्रो टू चेंज साइनेज ऑन टॉयलेट्स फॉर ट्रांसजेंडर्स टू टी थी। ठीक है ना जैसे मेन और वुमेन का आइडेंटिफिकेशन मतलब तो टॉयलेट्स के साइनेज लगी होती है वैसे ही कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है डेली मेट्रो तो क्योंकि एक डिफरेंट स्टेप ले रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ये चीज़ कौन करिए मेट्रो ठीक है ओके गाइज एक बार रिफ्रेश कर लो रिफ्रेश so, उसके बाद आगे चलेंगे अब यहाँ पर एडिटोरियल्स पढ़ते हैं हम एंड ऑडिबल गाइस मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि ये कनेक्टेड भी है नेटवर्क से या नहीं सीरियसली कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक है अभी हो गया है चलिए आगे चलते हैं तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स तो द्रविडियन मूवमेंट तो द्रविडियन मूवमेंट और आर्यन और द्रविडियन डिफरेंसेस क्या है ये आपको बेसिक बेसिक सा पता होना चाहिए दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया आज हो क्या रहा है चलिए द ड्रविडियन मूवमेंट एंड आर्यन इलाजन्स तो ड्रविडियन मूवमेंट क्या है ठीक है द रिमार्क्स वॉट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आर एन रवि ठीक है ना आर एन रवि ने क्या रिमार्क्स उन्होंने बोला कि आर एन ड्रविडियन डिफरेंसेज बिंग जोग्रा जियोग्राफ जोग्राफिकल एंड नॉट रेशियल ऑफ ऑफर रिमार्केबल इनसाइट्स इन टू द कंटेम्प्रेरी तो वो क्या कह रहे हैं जोग्रफी के डिफरेंसेज हैं तो बेसिकली ये कहा जाता है जो ड्रविडियंस हैं वो साउथ इंडिया में हैं और जो आर्यनस हैं वो इधर नॉर्थ वाली साइड हैं और इनका जोग्राफी का डिफरेंस है कि ये नॉर्थ में रहते हैं ये साउथ में रहते हैं है. ऐसा किसने बोला आर एन रवि ने बोला ठीक है ना तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं तो वो पढ़ लेते हैं इन द पास्ट वेरियस लीडर्स हैव स्ट्रॉन्गली कंटेस्टेड द आर्यन माइग्रेशन थ्योरी एंड हैव द एट्रीब्यूटेडेंस एंड द एवोल्यूशन ऑफ आर्यन रेविडियन डिस्टिंक्शन टू द ब्रिटिश तो वो क्या कहते हैं तो एक थ्योरी है जिसका नाम क्या है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी कि जो आर्यन है वो इंडिया में माइग्रेट होकर आए हैं बट बहुत जो जो इस थ्योरी को नहीं मानते हैं वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स क्योंकि डिवाइड एंड रूल कर करना जानते थे तो ये ब्रिटिशर्स ने ये थ्योरी जो है डेवलप की है ठीक है ना उसके बाद अगर हम उसको आगे बढ़ते हैं तो आगे जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर Further confirm that aryan migration into the subcontinent between 2000 BCE and 1000 BCE published. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक और थ्योरी है Out of India थ्योरी। क्या थ्योरी है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी रिसेंट साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैव कंक्लूसिवली डिबंक द आउट ऑफ इंडिया थ्योरी व्हिच इज पार्ट ऑफ लार्जर नरेटिव दैट द्रविडियंस एंड आर्यंस आर एथनिकली सेम बट जोग्राफिकली डिवाइडेड तो ये वाली जो थ्योरी है ये क्या कहती है एक तो थ्योरी है कि इंडियंस जो आर्यंस हैं वो बाहर से आए हैं तो आई आर्यन की माइग्रेशन की थ्योरी है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है ठीक है और एक क्या है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी वो क्या कहती है विच इज़ पार्ट ऑफ लार्जर नेरेटिव दैट द्रविडियस एंड आर एथनिकली सिमिलर बट जोग्रेफिकली डिवाइडेड मतलब बस उनकी टेरेटरीज डिवाइड हैं वैसे वो यहाँ पर ही मतलब यहाँ के ही हैं कहीं आर्यन बाहर से नहीं आए हैं ये एक थ्योरी है ठीक है तो वो कह रहे हैं फॉर द कंफर्म दैट आर्यन माइग्रेशन इन टू सब कॉन्टिनेंट बिटवीन टू थाउजेंड बी सी इन थाउजेंड बी पब्लिश साइंटिफिक वर्क दैट फॉलोड ऑल्सो इस्टेब्लिश दैट हरप्पन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्रिएटेड एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन द सब कॉन्टिनेंट एंड नैरोड द पीरियड ऑफ आर्यन माइग्रेशन ठीक है तो वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अटैक किया था हरप्पन्स पे और फिर आर्यन आकर सेटल हुए थे इंडिया के अंदर ठीक है ना तो ये वाली थ्योरीज अगर आपको नोट करनी है आप कर सकते हो क्लाट वाले बच्चे ज़रूर नोट कर लेना ये थ्योरीज वैसे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है बिकॉज इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी बहुत बारी इस बात के बारे में बात कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं द इंडिया इंडियन रुपी इज एक्सपीरियंसिंग इट्स वॉज स्लम्प इन फोर योर्स स्लम्प का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देख रहा है ठीक है ना तो इंडियन रुपी को किसके साथ कंपेयर किया जाता है डॉलर्स के साथ तो अगर हम डॉलर्स के साथ कंपेयर करें तो हिस्टोरिक लो प, लो पे आ गए 80 ठीक है ना 80 के लो पे आ गया है अब वो हमें ये समझना पड़ेगा डोमेस्टिक मैन अब इसका इसका डिसएडवांटेज क्या है इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो यहाँ पर मैनुफैक्चर हो रही हैं चीज़ें ठीक है ना जो भी मैनुफैक्चर हो रहा है यहाँ पर अगर रॉ मटीरियल बाहर से आ रहा है तो वो एक्सपेंसिव हो गया ठीक है ना रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई है ठीक है फिर हम Uh, और क्या बोला इन्होंने वाइज द मिनिस्टर स्टेटमेंट इन लोकसभा साइटेड फैक्टर्स इंक्लूडिंग तो वहाँ पे लोकसभा के अंदर सेशन चल रहा था उन्होंने कहा ये रशिया यूक्रेन की वजह से हो रहा है लोग जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर जिन्होंने पोर्टफोलियोज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था वो तो यहाँ पर इंडिया के अंदर सब कुछ बेच कर अपने कंट्री में या फिर लेकर जा रहे हैं यू के अंदर क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सेफ हो गया इन्वेस्ट करना ठीक है द रुपीज़ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो रील का फुल फॉर्म क्या होता है आर डबल ई आर ये आपको बता

Uh, जो बेटा अब यहाँ पे रूही ने पूछा है कि दी क्या ये सब कुछ नोट करना है नहीं ये सब कुछ नोट नहीं करना है इसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए जो हमने थ्योरीज डिस्कस करी हैं डरविडन और आर्यन थ्योरीज वो आप नोट कर सकते हो वो एक इम्पॉटेंट चीज़ है बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ चुकी है ठीक है ना और जो चीज़ें नहीं नोट करनी वो आपको नहीं नोट करनी है ठीक है उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक है ना यूनियन ऑफ द सेंक्शन तो यहाँ पे किसकी बात करें यहाँ पे बात करें ईरान और रशिया के रिलेशन की तो रशिया और ईरान दोनों सेम दोनों भाई बहन कैसे बने या भाई भाई कैसे बने क्योंकि इनके ऊपर यूएसए ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए सैंक्शंस का मतलब क्या होता है सैंक्शंस का मतलब बोल दिया यूएस ने कि कोई इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा ठीक है ना कोई आ, इनको मतलब इकोनॉमिकली जो सैक्शन लगाया वो यही लगाया कि कोई रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा गैस जो है वो मिनिमम कर दो आने वाले मंथ्स के अंदर ट्राई करो कि कम से कम आप रशिया से ऑयल खरीद सको ताकि रशिया के पास पैसा जो है कम हो जाए सिमिलरली ईरान के साथ भी ऐसे किया हुआ है तो रशिया और ईरान ने इसी चीज़ के ऊपर समझते हुए ये लोग इकट्ठे आ गए तो पढ़ लेते हैं इट वॉज़ हार्डली अ सरप्राइज दैट रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमिर पुटिन चोज़ ईरान अनदर कंट्री एट द रिसीविंग एंड ऑफ वेस्टर्न सेंक्शन फॉर हिज फर्स्ट विजिट तो वो कहते हैं कि मतलब उसने फर्स्ट कंट्री वॉर के टाइम पे यही चूज करी है जब रशिया और यूक्रेन ने रशिया ने यूक्रेन पर टाके उसके बाद पहली बार यही विजिट किया ठीक है ना तो क्यों किया ऑलरेडी हैव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन प्लेस एंड हैव वर्क टुगेदर इन प्लेसेज सच एज सीरिया ठीक है ना तो आप क्या कर सकते हो ईरान और रशिया का पॉइंटर लिख कर सकते हो कि इन्होंने सीरिया वाले केस में एक साथ काम किया हुआ है ठीक है वर्क टुगेदर इन प्लेस सच है सीरिया ठीक है बट डिस्पाइट दिस कॉपरेशन टेंशन हैव ऑल्सो एक्जिस्टेड वेर रशिया हैज़ रिमेंड द बिग ब्रदर बट द वॉर एंड द सब्सिक्वेंट वेस्टर्न सेंक्शंस अब उसके बाद यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट और हर किसी को नोट करना है वो है दैट इज साइंड द टू कंट्रीज ईरान और रशिया ने क्या साइन किया ईरान और रशिया ने क्या साइन किया साइंड डॉलर फोर्टी बिलियन इनर्जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या साइन किया इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं एम यू भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो ये नोट करेंगे डॉलर फोर्टी बिलियन इनर्जी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर रशिया वेयर रशिया गैस फ्रॉम वुड वर्क विद नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी इन डिवेलपिंग एनर्जी फील्ड एंड बिल्डिंग एन एल एल एन जी प्रोजेक्ट्स एंड पाइपलाइंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना सबसे पहले तो ये रशिया और ईरान के बीच में हुआ है इन दोनों की कौन सी कंपनीज के बीच में हुआ है व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड कितने का ये आपका एमओयू है ठीक है तो एम ओ यू याद रखना है लास्ट वीक द यू एस आई क्लेम दैट रशिया तो, तो रशिया तो बोल रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो मतलब यू एस जो है यू एस कहाँ पर घूम के आए यू एस के प्रेजिडेंट इसराइल सऊदी अरेबिया ये सब जगह गए और यहाँ पर प्यूटन जो थे वो ईरान गए ठीक है इन तेहरन मिस्टर प्यूटन ऑल्सो मैथ टर्किश प्रेजिडेंट तो यहाँ पर टर्किश प्रेजिडेंट का नाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो टर्किश प्रेजिडेंट का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ द वन जिसका हम पढ़ेंगे कि ग्रेन अग्रीमेंट साइन हुआ है ग्रीन अग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में यूक्रेन येस yes, आप बिल्कुल सही सोच समझ रहे हो यूक्रेन और रशिया जो कि लड़ाई कर रहे हैं बट एक अग्रीमेंट भी साइन किया उन्होंने और वो किसकी बदौलत साइन हुआ है रिसेप टाइप एडोगन ठीक है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्की के प्रेसिडेंट टू डिस्कस द सीरियन सिविल वॉर एंड अ यूनाइटेड नेशंस प्रपोजल टू अलाउ ग्रेन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट्स बाय द ब्लैक सी तो इसके ऊपर हम ग्रेन्स वाली चीज़ पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे बट तुम्हें पता होना चाहिए कि टर्की और और रशिया भी जो है वो सीरिया वाली वॉर के बारे में बात करी उन्होंने सीरियन सिविल वॉर ठीक है ना ये नोट कर लो उसके बाद द समिट एट अ टाइम व्हेन एट्रल का मतलब तीन तीन कंट्रीज इन्वॉल्व थी इस समिट में कौन कौन ईरान रशिया और टर्की इजी ठीक है एट अ टाइम व्हेन द वेस्ट सीक्स टू आइसोलेट एंड पनिश मिस्टर प्यूटन शोज अ कॉम्प्लेक्स यूर पॉलिटिकल ठीक है ना तो इस टाइम में वो कह रहे हैं कि एट अ टाइम जहाँ पर वेस्ट वेस्ट किसको बोलते हैं यूएस हो गया यूरोपियन यूनियन हो होगा सबको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं कि एक तरफ तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है पनिश करना चाह रही है रशिया को

मतलब ये लोगों को चाहिए एक दूसरे का साथ टर्की एंड रशिया विच बैक राइवल एक्शन इन सीरिया सिविल वॉर बट हैव एंटर इन टू अ नीड ईच अदर ठीक है ना बेसिकली टर्की और रशिया को एक दूसरे का साथ कहाँ पे चाहिए सीरिया के अंदर ये हमने पहले ही नोट कर लिए अब ईरान का क्या है ईरान जो है 2015 के अंदर इसका न्यूक्लियर अग्रीमेंट हो गया था जिसके बारे में हम बहुत बहुत बार, बार बात कर चुके तो न्यूक्लियर अग्रीमेंट इनका यू एस इन सब साथ हुआ था तो क्या कहा था ईरान ने ईरान ने कहा था कि ठीक है मैं न्यूक्लियर नहीं बनूंगा तो ईरान क्या चाहता है कि वो न्यूक्लियर बन जाए वो न्यूक्लियर पावर बन जाए उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स मिसाइल्स ये सब कुछ वो कर पाए उस पर उसने अच्छा रिसर्च सब कुछ करा हुआ है और उसके पास न्यूक्लियर का मटीरियल भी पड़ा है तो उसने क्या कहा था कि यूरानियम जो कि न्यूक्लियर मटेरियल ही है उसको मैं अपनी कंट्री से बाहर भेज दूंगा और इन इन टर्न यूएस वाले क्या करेंगे कंट्रीज़ क्या करेंगे जो इकोनॉमिक सेंक्शन है वो हटा देंगे अब सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंक्शन जो ईरान पे है वो ये है कि उसके पास ऑयल है उसके पास क्रूड ऑयल है क्रूड ऑयल मतलब जब पेट्रोल डीजल जिससे निकलता है वो है ईरान के पास पर वो किसी को बेच नहीं सकता क्योंकि वो बेच नहीं सकता तो उसके पास पैसे की कमी है तो उसकी इकॉनमी नीचे है ठीक है ना तो ईरान ने ये अग्रीमेंट 2015 में साइन कर लिया था बट न्यूक्लियर डील बैकफायर्ड

और रशिया तो को इकट्ठा कर रहा है और अपने दोस्तों को कर रहा है।, है ना बाइडन ने कैसे इकट्ठा अरेबिया और यूएसए और का ग्रुप बना दिया ठीक है ना तो ये अपने यूएसए अपने दोस्तों को इकट्ठे करने में लगा हुआ है रशिया अपने दोस्तों को ठीक है ना अब यहाँ पे आगे और पढ़ेंगे हम दैट इज़ सेफ हेवन डिमांड अब यहाँ पर रुपी का एक और जो है वो ये बोला हुआ है कि जो इट मस्ट बी नोटेड ऐट द डॉलर वो कह रहे हैं कि मतलब डॉलर स्ट्रेंदन हो रहा है और वर्ल्ड की सारी मोस्टली जो करेंसीज है वो नीचे डाउन वो डाउनफॉल देख रही हैं ठीक है ना तो इंडिया ने टू थाउजेंड एट में देखा टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर देखा ठीक है टापर ट एंट्रम क्या होता है टापर टेंट्रम समझ लेते हैं टापर टेंट्रम वो कह रहे हैं कि जब कोई सेंट्रल बैंक जो है जैसे यहाँ पे फेडरल बैंक ने सेंट्रल बैंक ने कुछ कह दिया कि हम ये करेंगे हम मतलब इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद जो आ, जो इन्वेस्टर्स uh, होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं टेंट्रम ठीक है ना कहाँ गया को दिख रहा है टैपर टैंट्रम ये रहा ठीक है टैपर टैंट्रम इज वेन इन्वेस्टर्स हैव टैंट्रम और अ रिएक्शन टू न्यूज ऑफ द सेंट्रल बैंक स्लोइंग और स्टॉपिंग बॉन्ड परचेजेस तो उसके रिएक्शन को ये कहते हैं और उसकी वजह से भी रुपी तब नीचे गया था तो यह, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये मैं कहूंगी जो क्लाट वाले बच्चे हैं और जिन्होंने स्लैट का इंटरव्यू देना है वो जरूर पढ़ कर जाएं इसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इजी सा टॉपिक है कुछ ज्यादा नहीं है इफेक्ट्स ऑफ वीक रुपी क्या हो रहा है वो कहते हैं बेनिफिट्स क्या है इसके कि हम हमारा जो प्राइस है वो कम हो गया चीज़ों का ठीक है ना मतलब जो मैनुफैक्चरर्स हैं उनके लिए तो वर्ल्ड के अंदर उनकी चीज़ क्या पता सस्ती हो बट वो कह रहे हैं इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हुआ बिकॉज दूसरे कंट्रीज़ की जो यू you नो know, दूसरे कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो वो भी एक डाउनफॉल देख रहे हैं ठीक है अब हमारा जो हमें मतलब वैसे भी चीज़ें जो हैं बाहर से वो महंगी मिल रही हैं तो ये सारा उन्होंने बताया है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस चीज़ से डील करने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि रुपी के अंदर हम ज़्यादा ट्रेड कर पाएँ किस चीज़ के अंदर ट्रेड कर पाएँ रुपयी के अंदर ज़्यादा ट्रेड कर पाए ठीक है उसके बाद आगे चलेंगे जो बच्चे बोलकर चले गए ना कि न्यूज़पेपर बोरिंग है न्यूज़पेपर बोरिंग नहीं है न्यूज़पेपर समझना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे टुक टू तु ट्विटर टू आस्क इंडियन टू होस्ट और डिस्प्ले क्या बोला हर घर तिरंगा हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में हर घर तिरंगा के बारे में पढ़ा या नहीं तो नोट करो हर घर तिरंगा के बारे में क्या कहा है कब से लेकर कब तक इंडिया टू होस्ट और डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग एट देयर होम्स फ्रॉम अगस्त 13 टू 15 अगस्त 15 अगस्त को तो हमारा इंडिपेंडेंस डे ही है उससे दो दिन पहले थर्टीन और फोर्टीन को भी हमने अपना झंडा लहराना है हर घर के अंदर राइट एज पार्ट ऑफ हर घर इनिशिएटिव हर घर तिरंगा इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट नोट करो इसको इम्पॉर्टेंट है ठीक है इसमें डेट्स भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद दिस मूवमेंट विल डीपन आर कनेक्ट विद द नेशनल फ्लैग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पूछ सकते हैं वॉट इज द ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्या है डीपन आर कनेक्ट विद अ नेशनल फ्लैग हमारे तिरंगे के साथ हमारा कनेक्ट बनाना वो जरूरी है ठीक है ही कॉल द एफर्ट्स ऑफ ऑल दोज फ्रीडम एंड ड्रेम ऑफ अ फ्लैग ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये कौन बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि क्या था पहले हम अपने देश का झंडा लहरा सकते थे नहीं झंडा लह लहराएगा था था लह और लहराता भी है तो वो कहते हैं वो फीलिंग हमें लेनी है ठीक है ना वो फीलिंग समझो फ्रीडम फाइटर्स की तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जान भी दी है टूडेज ट्वेंटी जुलाई स्पेशल रेलिवेंस इन आर हिस्ट्री इट वॉज ऑन दिस डे ट्वेंटी जुलाई की क्या रेलिवेंस है ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट करो ट्वेंटी सेकेंड जुलाई की क्या रेलिवेंस इट वॉज ऑन दिस डे इन सेवन में इस पर्टिकुलर डे पे मतलब कल के दिन ट्वेंटी सेकंड जुलाई दैट आर नेशनल फ्लैग वॉज अडोप्टेड हमने कहा हाँ यही हम तिरंगा को ही अपना नेशनल फ्लैग बनाएंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट ट्राई कलर किसने अनफर्ड किया था पंडित नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट पी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट ये भी नोट करोगे द वेबसाइट हर घर तिरंगा डॉट कॉम आस्क यूजर्स टू होस्ट नेशनल फ्लैग इन पिन देयर लोकेशन क्या कर रहे हैं इस वेबसाइट पे लोकेशन को पिन करवा रहे हैं ठीक है ठीके? और एम क्या है कि फाइव करोड़ से ज़्यादा लोकेशन पिन कर पाएं ओके okay? ये भी नोट करना ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अगर तिरंगे से रिलेटेड और डिटेल्स नहीं आती तो हम वो समझेंगे कि कैसे सब कुछ डिसाइड किया गया इंपॉर्टेंट है तिरंगा आज की डेट में द इशू ऑफ होल्डिंग साइमटेनियस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बहुत क्लियरली कि हमारी यहाँ पर क्या है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ठीक है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं ठीक है ना जिसको हम इंडिया की गवर्नमेंट बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में लीगल लैंग्वेज में नहीं ठीक है जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं इस टाइम पे ठीक है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ठीक है, है ना सी हैं जहाँ पर हर जगह है ना अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ये सब हैं स्टालिन तमिलनाडु के अंदर ठीक है तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी है ये दो दो गवर्नमेंट्स हैं इनके इलेक्शन होते हैं होते हैं इलेक्शन मैं तो मैं बताती हूँ हाँ होते हैं इलेक्शन अलग अलग सालों में होते हैं अलग अलग दिन होते हैं तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है इलेक्शन होल्ड करना बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है तो क्यों ना स्टेट के इलेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन एक ही साथ कंडक्ट करवाए जाएँ एक ही साथ स्टेट और सेंटर के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएँ तो इसको क्या बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन एक देश और एक ही बार इलेक्शन हो जाने ठीक है तो अब इसका क्या है ये पढ़ लेते हैं और फिर तुम्हें और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इस चीज को नाउ द इशू ऑफ होल्डिंग नाउ द इशू ऑफ होल्डिंग साइमटेनियस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन रेफर टू द लॉ कमीशन फॉर अ प्रैक्टिकेबल रोड मैप एंड फ्रेमवर्क कैन बी वर्कड आउट अब क्या किया इन्होंने कि कि वो जो इशू है साइमटेनियस लोकसभा और असेंबली इलेक्शन हो सके किसको रेफर कर दिया लॉ कमीशन को ये इंपॉर्टेंट है हेडिंग क्या दोगे वन नेशन वन इलेक्शन अपने नोट्स के अंदर क्या हेडिंग दे रहे हो वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन यही है वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है ना अब इसके बाद आगे चलते हैं इन अ रिटर्न रिप्लाई मिस्टर रिजू ऑल्सो साइटेड अ रिपोर्ट बाय पार्लियामेंट्री पैनल विच नोटेड दैट द फ्रीक्वेंट इलेक्शन लीड टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ अब ये क्यों कह रहे हैं क्यों एक साथ इलेक्शन को क्लब कर रहे हैं नंबर वन वो क्या कहते हैं कि फ्रिक्वेंट इलेक्शन जो होते हैं डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ फंक्शनिंग ऑफ इसेंशियल सर्विस दैट साइमेंटरी पोल तो जब पोल्स आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी हो जाती है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज जितने भी लॉज हैं या कुछ भी बिल्स हैं वो पास नहीं होते कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं वो रुक जाती हैं अगर वो पहले से पास हो रखी होती है तो ठीक है नहीं तो मतलब एक तरह से सब कुछ स्टॉप पे आ जाता है और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि स्टेट इलेक्शन अगर अलग से स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन अगर अलग से होते हैं तो सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देती है ठीक है ना सेंट्रल सेंट्रल का जो इलेक्शन होता है लोकसभा का इलेक्शन सेंट्रल पैसे देती है उसके बट अगर बहुत बार हम देखते हैं ना पांच स्टेट इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं तब क्या होता है सेंटर देती है फिफ्टी परसेंट और वो स्टेट्स देती हैं फिफ्टी परसेंट ऐसे होता है वो कहते हैं ट्वेंटी फोरटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर इतना खर्चा हम अपने इलेक्शन पे कर सक, कर चुके हैं तो ये जो है ये क्लैट वाले बच्चे नोट कर लें बाकी सबको ये याद रखना है वन नेशन वन इलेक्शन है क्या ठीक है ओके और अभी लॉ कमीशन को रेफर किया है इन्होंने कि बताओ रोड मैप का मतलब कि कैसे कंडक्ट कर सकते हैं क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसा इलेक्शन हो सके आफ्टर कॉलिंग फॉर ग्रीन अब यहाँ पे मैं तुम्हें वन नेशन वन इलेक्शन का थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ कहाँ गया आज हमारी हाँ ये रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली टोल्ड ठीक है द इलेक्शंस अब यहाँ पर क्या है कि वो कहते हैं थर्ड अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो नीचे वाला लोकल लोकल जो बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शंस क्यों नहीं साथ में हो जाते मतलब लोकसभा का इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन और लोकल बॉडीज़ का तुम्हारी ग्राम पंचायत विलेज के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं तुम्हारी मुंसिपल कॉरपोरेशन मुंसिपल ठीक है वो कहते हैं कि ये नहीं अभी मतलब इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं है एक तो ये बात और वो स्टेट के अंदर भी आ जाते हैं स्टेट जो है वो करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाते हैं वो इलेक्शन ठीक है तो अभी के लिए इतना ही पता होना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं स्कीम को वन नेशन वन इलेक्शन अब तुम यही पढ़ रहे हो तो यहां से एक और चीज मैं तुम्हें पढ़ा दूँ वो है ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका फुल फुल फॉर्म यू एस एड यू एस एड का फुल फॉर्म क्या है ये तो ये क्या करते हैं इसको नोट कर लो इंपॉर्टेंट है ये इसका काम है इस एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द यू एस फेडरल गवर्नमेंट दैट इज़ प्राइमरि रिस्पॉन्सिबल फॉर अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये यूएस गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट एजेंसी है नोट कर लो इस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिविलियन फॉरन एड एंड डेवलपमेंट एसोसिएट क्या हेल्प करती है फॉरन एड देती है डेवलपमेंट की असिस्टेंस करती है ठीक है ना हेल्प करती है दूसरी कंट्रीज की विद अ बजट ऑफ ओवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफिशियल एड एजेंसी इन द वर्ल्ड एंड अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑल एस फॉरन असिस्टेंट फॉरन असिस्टेंस करती है ये अब इसकी जो हमारी वो है हमारी यू एस एड एडमिनिस्ट्रेटर समन्था पावर तो ये याद करना कि ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इनकी समन्था पावर ये इंडिया में आ रही है क्यों आ रही है क्योंकि इंडिया से करंटीज एक्सपोर्ट डेज आफ्टर कॉलिंग फॉर ग्रेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू स्टेप अप एफर्ट्स टू अवॉइड हंगर क्राइसिस ठीक है निल अराइव इन इंडिया ऑन अ थ्री डे विजिट टू डिस्कस क्या डिस्कस करेगी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड अदर इशूज विद द गवर्नमेंट एज वेल एज क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स तो यहाँ पे एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ की ये याद रखना है इंडिया आ रही है यू की फुल फॉर्म मैंने तुम्हें बता दी तो यहाँ के दो पॉइंटर्स और थर्ड पॉइंटर इंटर क्या करती है ये और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है ठीक है ना ये हमने चार पॉइंट्स पढ़ लिए अब ये इंडिया क्यों आ रही है इंडिया इसलिए आ रही है क्योंकि 2022 अप्रैल के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पूरे वर्ल्ड को फीड कर फीड कर सकते हैं हमारे पास इतना क्या है वीट है ठीक है उसके बाद क्या हुआ मे के अंदर क्या हुआ हमने एक्सपोर्ट्स पे प्रोहिबिशन लगा दिया हमने एक्सपोर्ट्स पे वीट की एक्सपोर्ट्स पर प्रोहिबिशन लगा दिया एक्सपोर्ट का मतलब बाहर भेजना प्रोहिबिशन लगा दिया वीट की एक्सपोर्ट्स पर अब क्योंकि वीट के एक्सपोर्ट्स पर हमने प्रोहिबिशन लगा दिया तो फिर फिर ये इन्होंने बोला कि वर्ल्ड में हंगर इश्यूज हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं फूड फूड की इतनी प्रॉब्लम क्यों आ गई क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है और ये दोनों कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को अच्छा खासा फूड ग्रेन सप्लाई करती थी अब क्या है यहाँ पे तो वो क्या? इंडिया ने क्या कहा इंडिया ने कहा देखो मुझे डोमेस्टिक नीड्स के लिए ग्रेन चाहिए और मेरी क्या है नेबर फर्स्ट पॉलिसी क्या पॉलिसी है मेरी नेबर फर्स्ट पॉलिसी कल हमने पढ़ा था नेबर फर्स्ट पॉलिसी क्या कि मैं अपने पड़ोसियों का पहले सोचूंगा मैं अपने देश का और अपने पड़ोसियों का पहले सोचूंगा ये बोला नरेंद्र मोदी ने और वो कौन से इशू को डिस्कस करने वाले आ रही हैं देखिए इसमें नोट नहीं करना आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं करंट अफेयर्स में हर चीज़ रट्टा नहीं है देखिए यहाँ पर क्या है अमेरिकन वैक्सीन जो हैं वो इंडिया में नहीं आई है जैसे मॉड्रेना और फाइजर ये नोट कर लो मॉड्रेना और फाइजर जो है ये कहाँ की वैक्सीन है अमेरिका की वैक्सीन है ये एम बेस्ड वैक्सीन है ठीक है और ये यूएस में ही बनी गई हैं बट ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है क्यों नहीं हुई क्योंकि इंडेम्यूनिटी इशूज़ हैं इंडेम्यूनिटी इशूज़ मतलब अगर किसी को पता है यूएस की कंपनी क्या कह रही है कि देखो अगर मेरी वैक्सीन से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई किसी को कुछ लॉस हो गया ठीक है ना तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा वो कहता है इंडियन गवर्नमेंट देगी वो कहते फाइजर और मॉड्रेना कहते कि क्योंकि यूएसए ने भी हमारे साथ यही डील करी है कि अगर किसी का लॉस हो गया हमारी वैक्सीन की वजह से तो अब तो कौन उसको उसका लॉस को गुड कौन करेगा उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ पर हमारी खुद की वैक्सीन हैं दूसरी कंट्री जैसे रशिया की वैक्सीन भी आ गई पर हमने किसी के साथ ये इंडेमनिटी की डील नहीं करी इंडेमनिटी का मतलब होती है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस ठीक है ना तो वो कहते कि हमें इंडेमनिटी वेवर दो वेवर मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल अगर मॉड्रेना और फाइजर का अगर कोई केस कर देता है कि इनकी वैक्सीन से मुझे ये हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट कहती मैं ऐसा नहीं करूँगा तो यही इनका डिस्प्यूट है तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं आई इंडिया में ये वैक्सीन तो इंडेमिनिटी इशूज़ की वजह से ठीक है ना ये आपको इंडेमिनिटी का मीनिंग भी बता दिया वैक्सीन्स का नेम भी बता दिया लास्ट ईयर वो कहते कि शिपमेंट भी स्टार्ट हो मतलब हो गया था कि मॉड्रेना की वैक्सीन आई आए थी आएगी इंडिया में बट इसी वजह से नहीं आई ओके उसके बाद राज्यसभा में क्या हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड करने की बात हुई रिपील करने की चेंज करने की बात हुई तो क्या हुआ सारा हाउस चला गया ठीक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी नोट करेंगे क्या नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर हम वर्शिप करते हैं जहाँ पर हम प्रेयर करते हैं उसको क्या बोलेंगे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन इन द राज्यसभा ऑन फ्राइडे द बिल मूव्ड बाई बीजेपी मेम्बर हरनाथ सिंह यादव तो ये आप नोट करना चाहते तो कर सकते हो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्लाट वाले बच्चे नोट करने बट बाकी सबको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन से ईयर के नाइनटीन नाइनटी ये पता होना चाहिए द 1991 लेजिस्लेशन क्यों आई थी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका पर्पस क्या था आने का 1991 लेजिस्लेशन मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वॉज इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेज ऑफ वर्शिप इन द कंट्री एज ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन बट एन एक्सेप्शन वॉज मेड टू कीप द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट आउट ऑफ its एम्बिट एम्बिट मतलब इसके अंदर वो नहीं कवर होता ये सारा का सारा का इंपॉर्टेंट है तो क्या कहा ने कि जो एक्ट है 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 अगर पे गुरुद्वारा मंदिर है, कुछ भी है। जैसा वो वो में था वो वैसा ही रहेगा अब वो चेंज नहीं हो सकता ठीक है ना बट अगर किसी के विद रिगार्ड टू लिटिगेशन चल रही है लिटिगेशन मतलब कोर्ट में केस चल रहा है। और specially कोर्ट में केस या मतलब उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली में राम जन्मभूमि वाला कि ये इसके उसके एम्बिट से बाहर है मतलब ये इस लॉ में कवर नहीं होता है अब ये ये क्यों इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ ये ज्ञान वप्पी ज्ञान वप्पी मॉस्क वाले इशू से स्टार्ट हुआ है ठीक है ना तो ज्ञान वप्पी मॉस्क वाला इशू जो हमारा कहाँ का वाराणसी का इशू है वाराणसी का ही है ना मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ खुद कृष्ण जन्मभूमि और ये सब में चलिए आगे द बिल शुड नॉट बी एडमिटेड वो कहते हैं कि द बिल शुड नॉट बी एडमिटेड बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन एज मैटर इज सब्जुडाइज सब्जुडाइज का मतलब है कि मैटर कोर्ट में चल रहा है और वो चल भी रहा है मैटर सब्जुडाइज का मतलब क्या है पेंडिंग इन द कोर्ट ठीक है ना चल रहा है कोर्ट के अंदर अब और कौन से बिल्स डिस्कस हुए हेल्थ बिल डिस्कस हुआ द नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ होम बेस्ड वर्कर्स बिल देखो अभी ये बिल्स हैं इनको नोट करने की जरूरत नहीं है बहुत सारे बिल्स आएंगे एक बार हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे एंड जो फाइनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके ही हम नोट्स बनाएंगे ठीक है ना द बिल सेट दैट ऑल द होम बेस्ड वर्कर्स बिलोंग टू द मोस्ट वेलरेबल होम बेस्ड जो घर से काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा वेलरेबल है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेकर आएंगे राइट टू हेल्थ बिल के अंदर क्या लिखे हैं द बिल एम्स टू प्रोवाइड फॉर हेल्थ एज ये इंपॉर्टेंट है ये नोट कर लो राइट टू हेल्थ बिल ठीक है द बिल एम्स टू प्रोवाइड फॉर हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन एंड टू इंश्योर इक्विटी

मेंबर कंट्रीज ऑफ गल्फ को तो वो कहते हैं कि किसी अगेन ये ना सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में क्योंकि सेशन चल रहा है तो वहाँ पे बोला गया कि सऊदी अरेबिया और यूएई में रिकॉर्डेड मोस्ट डेथ ऑफ इंडियन वर्कर्स तो वहाँ पे बहुत लोग काम करने जाते हैं सऊदी अरेबिया और यू में तो वहाँ पे इन दोनों कंट्रीज में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं इंडियन वर्कर्स की ठीक है अंटार्क्टिक बिल जो है वो पास हो गया अब क्योंकि ये बिल पास हो गए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए एंटार्क्टिक बिल के बारे में हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है ठीक है तो लोकसभा ने इसको पास कर दिया है अब पर पर एक बिल लॉ कब बनेगा एक बिल लॉ कब बनेगा पहले ये राज्यसभा में अगर नहीं पास हुआ तो पहले राज्यसभा में जाएगा फिर ये जाएगा प्रेजिडेंट के पास फिर ये लॉ बनेगा फिर ये लॉ बनेगा, बनेगा अभी नहीं बनता तो यहाँ पे आर्ट साइंसिस मिनिस्टर कौन है जितेंद्र सिंह ये नोट कर लो सबसे पहले तो ये नोट कर लो सबसे पहले तो सैट दैट सच ओ लॉ वॉज नेसेसरी अंडर इंडिया ऑब्लीगेशन क्यों हमने क्यों लेकर आए ये लॉ क्योंकि वी आर सिग्नेटरी टू द एंटार्टिक ट्रीटी ऑफ 1963 नोट कर लो क्यों लेकर आए ये बिल क्योंकि हमने सिग्नेचर्स किए हुए हैं किसके ऊपर एंटार्टिक ट्रीटी ऑफ 1963 तो ये ट्रीटीज क्या होती हैं ये क्या होती हैं ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर इसका साइन किया हो तो मतलब वो बोलते हैं कि आप अपनी कंट्री में ये लॉ लेकर आओ ऐसा करो वैसा करो तो वैसा करना पड़ता है अगर हमने उसको साइन किया हुआ है ठीक है द आर्टिक बिल पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था इट्स ओवर रिचिंग एम इज टू रेगुलेट विजिट्स एंड एक्टिविटीज टू अंटार्टिका एज वेल एज सेट ग्राउंड रूल फॉर पोटेंशियल डिस्प्यूट दैट मे अराइज अमंग दोज प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट द बिल ऑल्सो प्रिस्क्राइब पीनल प्रोविजन फॉर सर्ट सीरियस वायोलेशन अंडर इस प्रोविजन प्राइवेट टूर्स ऑर्गेनाइज होंगे एक्सपीडेशन टू एंटार्टिक वुड बी प्रोहिबिटेड विदाउट अ परमिशन तो जो प्राइवेट टूर्स एंड एक्सपीडेशंस हैं उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी ठीक है ना और क्या होगा वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो लोग हैं उन डिस्प्यूट्स के, के लिए लॉज बनाए जाएंगे उनको डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने सिग्नेचर sign... किया ट्रीटी पे 54 और हम वन ऑफ देम हैं उसके बाद ये नोट कर लो बिल ऑल्सो अ स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट ऑफिस टू इंस्पेक्ट वेसल एंड टू कंडक्ट चेक रिसर्च फैसिलिटीज इट ऑल्सो डायरेक्ट क्रिएटिंग अ फंड कॉल्ड द फंड क्रिएट होगा क्या अंटार्टिक फंड दैट विल बी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द एंटार्टिक इन्वायरमेंट ये भी नोट कर लो तो बिल ऑल्सो एक्सटेंड्स द जुरिस्टिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स ये इंपॉर्टेंट है बिल क्या करते हैं जुरिस्टिक्शन एक्सटेंड करता है इंडियन कोर्ट्स की अंटार्टिका को एंड लीज आउट पीनल प्रोविजन फॉर क्राइम्स ऑन द कॉन्टिनेंट बाई इंडियन सिटीजन और फॉरन कंट्री सिटीजन हु आर पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपीडिशन ठीक है ना तो वहाँ पे जो इंडियन जा रहे हैं वहाँ के लॉज और आर इन ऑफ इंडियन रिसर्च स्टेशन अगर वो इंडियन रिसर्च स्टेशन के एरिया में तो उनके ऊपर इंडियन लॉ लगेगा ठीक है उसके बाद आगे चलेंगे एक मिनट रुको कुछ मिस तो नहीं हो गया नहीं चलो क्या कह रहे हैं कि मोस्ट व्हीकल्स मोस्ट न्यू पैसेंजर व्हीकल्स कुड बी इलेक्ट्रिक बाय 2015 2015 तक जितने भी इलेक्ट्रिक वही पैसेंजर व्हीकल्स आएंगे वो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो भी नए आएंगे इलेक्ट्रिक पैसेंजर वहीकल्स कोम्प्राइज थर्टी परसेंट एंड 70 परसेंट ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स इन इंडिया बाई ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ये किसने बोला है स्टडी बाई काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर ठीक है अब इसके बाद सी ई डब्ल्यू इंडिया ट्रांसपोर्ट एनर्जी आउटलुक ये रिपोर्ट थी तो ये नोट कर लो ये ये इनका रिपोर्ट का नाम दिया इन्होंने इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली और ये बोला कि इस ईयर तक इतने और इस ईयर तक इतने नए वहीकल जो निकलेंगे वो ईवीज ही होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही होंगे व्हीकल्स ही होंगे ठीक है आगे चलते हैं अब यहाँ पर क्या हो रखा है एम्ब्लम वाला इशू हमें पता है हमने बहुत डिटेल में एडिटोरियल पढ़ा था ना नेशनल एम्बलम वाला इशू हमने नोट्स भी बनाए थे राइट तो नेशनल एम्ब्लम वाले इशू में क्या कहते कि इसके क्या दिख रहे फैंग्स का मतलब क्या होता है कौन बताएगा फैंग्स का मतलब मुझे फैंग्स का मतलब कौन बताएगा जल्दी से चार्ट सेक्शन में बताओ फटाफट फैंग्स वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ये जो एम्बलम है तो ये जो एम्बलम है ये हमारा नेशनल एम्ब्लम है ये पार न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर रखा गया और वो क्या कह रहे हैं कि इसके ना पॉइंटेड दांत दिख रहे हैं और वो क्या लग रहा है अग्रेसिव और फेरोशियस फरोशियस एंड एग्रेसिव तो ये देखते हैं ना वाई प्रोटेस्टिंग क्यों इसके अगेंस्ट इशू क्रिएट किया हुआ है क्योंकि फेरोशियस एंड एग्रेसिव लग रहा है वो कहते हैं कि सारनाथ से हमने ये उठाया था सारनाथ से उठाया था वहाँ पे क्या है काम एंड कंपोज है ठीक है शांत है पॉइंटेड टीथ टीथ पॉइंटेड टीथ टीथ नहीं पॉइंटेड टीथ तुम्हारे फैंग्स हैं तुम लोगों के फैंग्स हैं तुम किसी को बाइट करोगे तो क्या उसके शेर जैसे निशान हो जाएंगे नहीं पॉइंटेड टीथ टीथ नहीं दे आर्ग दैट द न्यू ब्रॉज कास्ट वायटेडन एंड डिजाइन ऑफ एम्बल एम और वो कहते हैं कि स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट को वायोलेट करता है जो लॉ वाले बच्चे वो नोट कर लेंगे बाकी सबको पता होना चाहिए कि इश्यू क्या है ठीक है ना फैंग दिख रहे हैं फिर एंड एंग्री लग रहा है जबकि पीसफुल और काम है सारनाथ में ऐसा वो बोल रहे हैं और फिर वो कहाँ गए हैं सुप्रीम कोर्ट गए हैं चैलेंज करते हुए ठीक है बिड्स एंड वाइट हुई है हाई स्पीड रेल स्टेशन के लिए कहाँ पर बन रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्वाइटेड बिट फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेशन एन मुंबई बाम्पलेक्स एंड अ टनल फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ये नोट नहीं करना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है बंद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स हाई स्पीड रेल स्टेशन विल बी द ओनली अंडरग्राउंड स्टेशन इन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यह इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लो ठीक है ना स्नैक्स के भी होते हैं हाँ स्नेक्स के भी दिखाते हैं तुम डिस्कवरी देखते हो क्या मुझे बड़ा डर लगता है डिस्कवरी देखते हुए <coughs> उसके बाद अरे भाई ये आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ठीक है क्यों क्योंकि क्यों रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं उन्होंने एक एक्सपोर्ट्स डील साइन कर लिया क्या साइन करी है देखते हैं कीव एंड मॉस्को कीव मतलब यूक्रेन मॉस्को मतलब रशिया इतना तो समझ में आने लग गया ना अब तुम्हें इतना न्यूज़पेपर पढ़कर कि ये उनकी कैपिटल्स का नाम भी लिख देते हैं फैशन में आ जाते हैं कीव एंड मॉस्को पेंड अ लैंडमार्क अग्रीमेंट विथ टर्की एंड द यू एन क्या किया यूक्रेन एंड रशिया अपने नोट्स में क्या लिखोगे यूक्रेन एंड रशिया पेंड अ यूक्रेन एंड रशिया साइंड अ लैंडमार्क अग्रीमेंट विथ टर्की एंड द यू एन ऑन फ्राइडे क्यों क्यों टू अनब्लॉक यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट्स आफ्टर अ रशिया रशियन ब्लॉकेड रेजिस फियर्स ऑफ अ ग्लोबल फूड क्राइसिस तो रशिया ने क्या किया इनके पोर्ट्स जो थे वो ब्लॉक कर लिए ठीक है रशिया ने क्या किया इनके पोर्ट्स पोर्ट, किसके पोर्ट्स यूक्रेन के पोर्ट्स पोर्ट ब्लॉक कर लिये. है. अब क्या हुआ पोर्ट से ही तो फूड जाता था फूड ग्रेन जाते थे पूरे वर्ल्ड में तो पूरे है कि सब कुछ सही हो जाए कौन कह रहे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोरियो ग्रुटरस तो इसका नाम भी याद रखना है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी जाते जाते पूछ लेगा नाम क्या जाता है एक नंबर ऐड हो जाएगा तुम्हारे मार्क्स में ग्री थ्रू यू एन एंड टर्किश मीडिएशन तो अब इसमें मीडिएशन कौन करवाई मतलब बीच में कौन बैठा भाई बहन की लड़ाई हो जाती माँ बाप बीच में बैठते ना वैसे यहाँ पे कौन बैठा यहाँ पे पड़ोसियों की लड़ाई में दूसरे आए यू एन आया और टर्की आए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद नोट कर लो उसके बाद इस्टैब्लिश सेफ कॉरिडोर्स मीडियशन इस्टैब्लिश सेफ कॉरिडोर अलॉन्ग विध यूक्रेनियन शिप्स एंड कैन कम इन एंड आउट ऑफ थ्री डेजिग्नेटेड ब्लैक सी पोर्ट्स इन एंड अराउंड उड़ीसा उड़ीसा तो हमारे वाला है तो ये नोट कर लो एंड बोथ साइड्स आल्सो बोथ साइड आल्सो प्लेज नॉट टू अटैक ऑन द वे इन एंड आउट वो क्या कहते हैं दोनों हम शिप्स पे अटैक नहीं करेंगे ठीक है उसके बाद इट विल ब्रिंग रिलीफ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द एज ऑफ बैंक एंड द मोस्ट वालेबल पीपल ऑन द एज ऑफ फैमिन फैमिन मतलब भु, नहीं, खाना नहीं होना ठीक है उसको कहते हैं ना अप अपू ट्वेंटी टन ऑफ वीट अब ये क्या कह रहे हैं अप टू यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मोस्ट फर्टाइल बाय द टू ऑफ द दर्ल्ड बिगेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर्स ये क्या है वर्ल्ड के बिगेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर्स हैं यूक्रेन को तो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है नोट कर लो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप अप टू ट्वेंटी फाइव मिलियन टन ऑफ वीट एंड अदर ग्रेन हैव बीन ब्लॉक्ड इन ब्लॉकियन पोर्ट्स बाय रशियन और कितने टन ऑफ वीट 25 मिलियन टन तो ये नोट कर लो ठीक है उसके बाद एंड लैंड कीज है कीव हैज लेड टू एवोर्ड ऑफ योर एम्बीफियस ऑसॉल्ट तो यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे अगर ये पोर्ट्स हैं यूक्रेन के ठीक है ये पोर्ट्स हैं तो कुछ पोर्ट्स तो रशिया के पास हैं ठीक है ना अब कुछ पोर्ट्स जो यूक्रेन के पास है वहाँ पे उन्होंने माइनिंग करी है वो ताकि वो पोर्ट्स पर रशिया नहीं आ सकती माइनिंग क्या होता है कि अगर किसी ने उसके पास भी माइन के पास आ थोड़ा सा टच हो गया तो वो ब्लास्ट हो जाती है ठीक है

एंड अंडरटेक ऑब्लिगेशन टू डेम रशिया साइंस द मिररर अग्रीमेंट विद टर्की एंड यू एन इन्होंने आपस में अग्रीमेंट नहीं साइन किया इन्होंने टर्की और यू एन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है ठीक है ना ये समझ रहे हो तुम ये कहने की कोशिश करें आपस में नहीं करा द सेट ऑन सोशल मीडिया ही वॉन्ट दैट रशिया दट रशिया ब्रीचेज ऑफ द डील एंड इनको अराउंड यूक्रेन पोर्ट वुड बी मेट विध एन इमिजिएट मिलटी रिस्पॉन्स वो कहता है कि अगर ये तंग करेंगे हमें तो हम भी अपनी मिसाइलें मतलब इनके ऊपर दागेंगे गैर फेज ये नाम याद रखना है ये श्रीलंका की यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है ठीक है ना अब इन्होंने अटैक कर दिया ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा कि तुमने बहुत बुरा किया ठीक है ना यहाँ पे ये क्रिटिसाइज किया हुआ यू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ठीक है ये हमें अब बस हमने भी पहले पढ़ लिया था बस ये गेल फेस कोलंबो में है श्रीलंका से रिलेटेड है ये याद रखना और यहाँ पर ही प्रोटेस्ट चल रही हैं एस ने क्या डायरेक्ट करा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जब जीएसटी आया था जब इंडिया ने स्विच किया जीएसटी के ऊपर तो कुछ टैक्स क्रेडिट्स या बेनिफिट देने थे लोगों को वो नहीं दिए गए थे तो अब वो दोबारा से मतलब जो उनका पेंडिंग है वो दिया जाएगा ठीक है अब यहाँ पे नोट करने वाला शुगर आउटपुट टू राइज बाय फाइव लैक टन नेक्स्ट सीजन शुगर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर अबाउट फाइव लाख टन हायर दैन द करंट सीजन अकॉर्डिंग टू दिस ये नोट कर लो इतना मीठा कौन खाता है मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी बंद कर दिया मैंने मोटी हो गई थी ना इसलिए <laughs> और कुछ चारा नहीं बचा था एक मिनट रुकाओ अभी हम नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ेंगे फाइनल्स में पहुँच गए हैं एक और मेडल एक्सपेक्टेड है ये देखो ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा नीरज जस्ट वन थ्रो टू क्वालिफाई फॉर द जैवलिन थ्रो फाइनल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूगेने और तो यहाँ पे ऑरिगेनो से याद कर लो ठीक है यह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है ये इंपॉर्टेंट है नोट करना और uh, अब ये फाइनल में पहुंच चुके हैं तो एक इंडियन ही एक और इंडियन पहुंच गया दे वर दे वर डबल जॉय इंडिया विथ रोहित यादव पुलिंग ऑफ अ बिगर सरप्राइज टू फिनिश सिक्स इन अ ग्रुप बी ठीक है ना तो रोहित यादव और नीरज चोपड़ा दोनों ही क्वालिफाई कर गए हैं ठीक है अब देखो ये किसका मतलब मेडल आने का क्या पता यार गोल्ड सिल्वर दोनों ही इंडिया का मजा आ जाएगा मजा चलो अब यहाँ पे भवानी टू तो बी फर्स्ट पार्ट ऑफ़ फर्स्ट खेलो इंडिया एफ डब्ल्यू एच तो फैंसिंग वुमेन्स लीग हो रही है फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग कहाँ पर हो रही है दिल्ली में हो रही है ठीक है फर्स्ट हो रही है तो इंपॉर्टेंट है उसके बाद यहाँ पर सैडियो मैन वॉज क्राउंड अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर ये सैनेगल का है हमने सेनेगल के बारे में कब पढ़ा था क्यों पढ़ा था हमने सेनेगल के बारे में है ना पढ़ा था ना आई स्क्वायर ए एस स्क्वायर पढ़ा था ना किस चीज़ के बारे में पढ़ा था कोई मुझे बता सकता है चलिए चलो बेटा हो गया तुम्हारा सात बजे मैंने खत्म करवा दिया सेशन ठीक है लेट आए थे हम दस मिनट आज न्यूज़पेपर थोड़ा कम था सब्सक्राइब कर देना चैनल को लाइक कर देना वीडियो को एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे वेदर बाय द नेम एट आई एम एग्जाम आयर एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे एट एग्जाम आयर ऑफिशियल ठीक है ना और कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो वी आर ओपन फॉर क्वेरीज नाउ और कॉमेंट कर देना हाँ जी सेवन इन्वाइटेड मेम्बर्स स्पेशल गेस्ट स्पेशल इन्वाइटीज वेरी गुड रौनक चलिए आगे बोलते हैं वेरी गुड रंजय शिवम वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे आ, अब ती 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 सी 2023 टी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए पमी कुमारी का क्वेश्चन है देखिए अगर आप अभी से पढ़ना लग जाएंगे तो बहुत बढ़िया और अभी से पढ़ना भी चाहिए देखो जुलाई तो स्टार्ट हो गया जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जान फेब मार्च अप्रैल मई मई के अंदर आपका अगले साल एग्जाम पक्का हो जाना चाहिए बिकॉज कोविड की वजह से यह सब कुछ डिले चल रहा है मई जून के अंदर सॉरी फॉर दब एग्जाम हो जाएंगे तो अगर आप अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी एंड मोर ओवर आपको अगर आप मैगजीन से भी पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर से अगर समझ लेकर जाओगे तो आपको मैगज़ीन बहुत ईजी लगेगी ठीक है ना ये बात मेरी याद रखना आप मेरे साथ वन मंथ के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो आई नो थर्टी डेज़ के लिए आपको आना पड़ेगा वो थर्टी डेज़ न्यूज़पेपर पढ़ो और फिर उन उसी मंथ की थर्टी डेज़ पढ़कर न्यूज मैगजीन उठाकर देखना आपको एट्टी टू एटी फाइव परसेंट न्यूज़ सेम मिलेगी थोड़ी सी न्यूज़ डिफरेंट मिलेगी बट वो एट्टी टू एटी फाइव परसेंट न्यूज़ क्योंकि आपको सेम मिलेगी और वो बहुत मेजर टॉपिक्स होंगे आप बहुत ईजिली वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे ठीक है ना अगर करंट अफेयर्स मैगजीन भी पढ़नी है न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग आपको वो समझने में हेल्प करेगी ठीक है इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रौनक कौन सा एग्जाम दे रहे हो सिक्सटी टू सेवेंटी स्कोर कर रहे हो कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो? ओके okay, सुमन श्रीवास्तवा का क्वेश्चन है गुड इवनिंग मैम इज स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट फॉर क्लाट देखो यार मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ क्लाट हो या कोई और पेपर भी हो ठीक है ना अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर साल कोई कोई एरिया जो हो जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है उसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है ना फॉर एक्जाम्पल अगर हम आज की डेट में बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है हर रोज़ ही कोई ना कोई नई ग्रुपिंग बन रही है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो थी वो कोविड की वजह से नहीं हो पा रही थी अब इन पर्सन ये लोग मिल रहे हैं तो हर टाइप की न्यूज़ के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो ओवरऑल न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है आपकी ठीक है ना आप ये नहीं कह सकते हाँ किसी पेपर के अंदर एक पैटर्न होता है तो एक टाइप की न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है बट क्लाट के अंदर आज सच ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है तो स्पोर्ट्स में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो वो पढ़ लो बिकॉज़ क्लाट हर साल एक सरप्राइज़ के साथ आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्पोर्ट्स का जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग भी रखनी पड़ेगी ठीक है ना एग्ज़ाम बताओ कौन से का मॉक दे रहे हो तभी बताऊँगी कैसे बढ़ाओ मॉक्स का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो अगर आप उसका मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड उसमें नहीं बढ़ रहे मार्क्स उसको बैठ कर एनालाइज़ करो कि मैं मेरा क्वेश्चन जो है गलत क्यों है सिली मिस्टेक थी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है मुझे वो टॉपिक्स निकालो जो गलत हैं अगर उन टॉपिक्स को पढ़ोगे हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स ना पढ़ें नंबर वन नंबर टू अगर आपके मार्क्स एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं मान लो 200 मार्क्स का पेपर है आपके 160 170 आ रहे हैं ऑलरेडी या 150 पे पहुंच चुके हो तब आप अगर इतना अच्छा स्कोर ले रहे हो ऑलरेडी तब भी आपको अगर मार्क्स बढ़ाने हैं तो आप अपनी पेपर सीक्वेंस में भी चेंजेस कर सकते हो ठीक है ना उसकी वजह से भी आपके मार्क्स में थोड़ा इंक्रीज़ आएगा बट वो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है नंबर थ्री अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है ठीक है ना और नेगेटिव मार्किंग आपसे हैंडल नहीं हो पा रही तो वो भी एक प्रॉब्लम है नेगेटिव मार्किंग सॉल्व करनी आनी चाहिए उसके अंदर आप रैंडम गेसिंग करके ये ना हो कि आप आंसर्स बहुत क्वेश्चन के सही कर रहे हो बट आप लूज आउट कर रहे हो नेगेटिव मार्किंग को मार्क्स उसके लिए मैं यही स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि प्लीज़ वाइल्ड गेसिंग मत करो जिसके अंदर अगर आपकी जीरो अगर वन मार्क करेक्ट आंसर के लिए मिल रहा है और ज़ीरो पॉइंट टू फाइव आपको रॉन्ग आंसर के लिए वो दे रहे हैं तो ट्राई करो कि आप सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो वो वाले क्वेश्चंस अटैप्ट करो और जिनके आप टू क्रॉस आउट कर पा रहे हो वो वाले ऑप्शंस अटेम्प करो ठीक है ना खुशी जैन अगर आपके प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स नहीं हुए तो बेस्ट वे इज आईएस विजन या फिर दृष्टि आई आई नो आप लोगों की ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं स्कूल भी जा रहे हो आप ठीक है ना तो आप आई ए विजन पढ़ो बट आई ए विजन का मतलब पढ़ने का ये नहीं कि एक बार पढ़ा और ख़त्म आपको मिनिमम आई ए विजन फ़ाइव टू सिक्स टाइम्स मिनिमम है पढ़नी पड़ेगी एंड एक तरीके से पढ़नी पड़ेगी जिसके अंदर जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो नहीं पढ़ोगे जो बस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फैक्ट्स है आप पढ़ोगे ठीक है ना तो ऐसे आप पढ़कर अपना कवर कर सकते हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज आई एस विजन उसमें नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं अगर आप रैंडमली पढ़कर छोड़ रहे हो तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है एग्जाम से पहले पम्मी कुमारी सी यू ई टी के जो सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप एन सी आर टी वर्ड टू वर्ड पढ़ लो एन सी आर टी वर्ड टू वर्ड पढ़नी सी यू ई टी के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एन होनी चाहिए उसको वर्ड से वर्ड टू वर्ड पढ़ लो एंड उसके बाद उसके एम सी क्यूज सॉल्व करो एस चंद की बुक्स आने लगी हैं अपनी बुक बाय करो और एम सी क्यूज अटैम्प्ट करो दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सी यू ई टी लैंग आपका सब्जेक्ट एग्जाम जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं ठीक है ना देखो यार बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हमें अभी से मॉक्स देने चाहिए देखो अगर तो आप मॉक इसलिए दे रहे हो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा कि मुझे मतलब एक एक, एक यू नो फॉर्म में आना है अटैम्प्ट करने के तो आप दे सकते हो बट अगर आप मॉक्स इसलिए अटैम्प्ट कर रहे हो कि मैं देखूँ मेरा स्कोर कितना आ रहा है बिना सिलेबस कम्प्लीट करें और जब वो स्कोर नीचे आता है तो आप डीमोटिवेटेड होते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ठीक है ना तो आप देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो बिना सिलेबस कंप्लीट करें मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो स्टेड जैसे मैंने आपको बताया है नॉर्मली कि कैसे प्रिपरेशन करनी है आप जब एक टॉपिक पढ़ते हो तो आप उसके गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो ट्राई करो कि आप एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लाट की प्रिपरेशन करो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले ख़त्म कर लो एंड फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर रोज़ पांच रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बैक टू बैक सॉल्व करो ताकि प्रैक्टिस हो टाइम मैनेजमेंट हो एक्यूरेसी की करेक्ट आंसर आने की भी प्रैक्टिस हो सेक्शन वाइज अगर प्रैक्टिस भी करोगे तब भी अच्छा रहेगा एंड इवेंचुअली जब आपके तीन से चार सब्जेक्ट्स हो जाए तब आप मॉक टेस्ट ले सकते हो अगर बिना सिलेबस कंप्लीट करे मॉक टेस्ट लोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू बाकी आपकी मर्ज़ी है बहुत समझदार हो आई नो दैट ओके